एक छोटा सा बच्चा था, नदी में डूब रहा था। किसी सज्जन इंसान ने जान बचाई और चल दिया। बच्चे ने पीछे से आवाज लगाई, सर थैंक यू। सज्जन इंसान वापिस आया और पूछा, क्यों? बच्चा बोला, आपने मेरी जान बचाई इसलिए। सज्जन इंसान बच्चे की आंख में आंख डाल के बोला कि बेटे, बड़े होके साबित करना कि तुम्हारी जान बचाने लायक थी। चेक कर लो जिंदा हो ना। क्या कभी ये सोचा कि हमारी जान बचाने लायक है कि नहीं? सोचा कभी? हम पैदा हुए हैं बींग ए ह्यूमन। हमने पहाड़ों को चीर के रास्ते बनाए हैं, नदियों का रुख मोड़ा है। हम चीते की तरह भाग नहीं सकते, हमने बुलेट ट्रेन डिजाइन की। हम ईगल की तरह उड़ नहीं सकते 300 किलोमीटर प्रति घंटा, हमने जेट डिजाइन किया जिसकी हजारों किलोमीटर स्पीड होती है। और ये इंसान का बच्चा जब कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी उसके सामने आती है और बोलता है, मेरे से होगा कि नहीं होगा? कितना अजीब सा नहीं लगता? अगर हम दो टाइम खाने के लिए काम कर रहे हैं तो जानवर और इंसान में फर्क क्या रह जाएगा? रहेगा? नॉट एट ऑल। अरे कुत्ता भी दो टाइम खाना लेता है, भैंस भी लेती है, गाय भी लेती है, ये लोग तो जॉब नहीं करते फिर भी मिलता है। पैसे के लिए 60 साल काम करने वाले लोग मूर्ख होते हैं, याद रखिए। पैसे के लिए 5 साल काम करना चाहिए, 5 साल। मैं आज पैसों के लिए काम नहीं करता, और ये बिजनेस आपके लिए शायद जिंदगी बनाने वाला हो सकता है, मेरे लिए जिंदगी बचाने वाला बिजनेस है। जब मैं इस लाइन में आया था, 1.5 करोड़ का कर्जा था, 14 बैंकों ने केस किए थे, आज उससे ज्यादा मैं साल का इनकम ले रहा हूं। कोई ऑफर नहीं थी गवर्नमेंट के पास 1.5 करोड़ के कर्जे वाले आदमी को बाहर निकालने के लिए। इनसॉल्वेंसी डिक्लेयर करो तो आपका घर बार सब कुछ छीन जाएगा, आप रस्ते के ऊपर आ जाओगे, पैसा नहीं बचेगा आपके पास। ये एक ही इंडस्ट्री है जो आपको जीरो में हीरो बना सकती है। ये एक इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग का ये जमाना आएगा। आज मुझे पता है कि जो यंगस्टर्स बच्चे जिनकी शादी नहीं हुई, उनको शादी में मुश्किल आ रही है, क्योंकि क्या करता है? बोले वो मेंबर बनाने का काम करता है। आने वाले 5 साल के बाद मैं आपको यकीन देता हूं, जब भी कोई लड़की का पिता लड़का देखने जाएगा तो सबसे पहले पूछेगा, क्या आपका बेटा नेटवर्क मार्केटिंग करता है? तभी मैं आपके अपनी लड़की दूंगा। और अपने आप पे भरोसा रखिए, यू कैन डू इट। ये दुनिया के, मतलब ये याद रखिए, दुनिया के सारे बिजनेस को पीछे छोड़ने की क्षमता रखता है धंधा। सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट बिजनेस है। अगर आप एक आम आदमी हो जिसके पास 10 करोड़ रुपए नहीं है लगाने के लिए, आप कुछ भी कर सकते हो इस बिजनेस के थ्रू। कर सकते हैं कि नहीं? तो अपनी ताकत को लगा दीजिए। किसी भी चंद सफलता के ठेकेदारों को देख के ये मत समझिए ये कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। किसी भी जानवर में ऐसा नहीं होता, अगर एक ईगल उड़ सकता है तो सारे ईगल उड़ते कि नहीं? क्या कुछ चंद ईगल जाके चिड़ियों के झुंड में बैठते हैं? मेरा चाचा का लड़का बहुत पावरफुल है, ऐसा बोलते नहीं। अगर वो ईगल है तो उसके जीन्स में है उड़ना, और अगर तू इंसान है तो जीतना तेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। कर्जे से तो बाहर आया, जगुआर भी ली, 4-4 गाड़ियां ली, और करोड़ों रुपए कमा रहा हूं। सिर्फ मैं नहीं कमा रहा हूं, मेरी टीम में 50 से 100 लोग महीने के 1,00,000 रुपए कमा रहे हैं। साथ में अगर इंडस्ट्रीज डालता ना तो इतना पैसा नहीं आता। सिर्फ मैंने गाड़ी नहीं खरीदी, 150 लोगों ने मेरी टीम के अंदर कार खरीदी। तो आइए एक इतिहास रखते हैं। और सुरेंद्र व्हाट्सएप को मैं बोलना चाहूंगा, सर थैंक यू सो मच। ये थोड़ी हमारी लागवक थी कि मैं आखिरी में आया। थैंक यू सो मच सर, लव यू, थैंक यू सो मच। और सही में कहते हैं ना कि सारी नदियां मिलकर आखिर में समुन्द्र में जाती है। हम हमेशा नेटवर्क लोग ये समुन्द्र की बात करते थे, आज पहली बार ये समुन्द्र आपने दिखाया। थैंक यू सो मच, जय हिंद।